अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और अरिबा एज़ यूजुअल नाराज़ बैठी है क्योंकि अरिबा को लैपटॉप नहीं मिल रहा और अहमद साहब तो मज़े में है। अहमद साहब का तो एक ही काम है, मट्टी खाओ, मौज करो, छड़ो जो हुंदा होवे, जड़ा रहंदा रवे। क्यों अहमद? अहमद के पास गर्मी बहुत लग रही है, आज इतनी शदीद गर्मी है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है और लाइट भी बार बार बंद हो रही है। हाँ क्या बात है? और रिबा को चाहिए लैपटॉप इतनी गर्मी में, लाइट बंद में भी रिबा को यही काम है। क्यों रिबा? अहमद को नहीं चाहिए होता कुछ भी, अहमद को तो बस मट्टी चाहिए होती है। अहमद को आज इतना पसीना आया है ना देखें। सॉरी सारे आजकल सब बीमार हुए हुए, अहमद भी बीमार हुआ हुआ है। अहमद का नोज बंद हो गया था है? और अहमद को देखे गर्मी की वजह से कितना पसीना आ गया। अहमद की सारी शर्ट वाइट हुई है, सारी शर्ट अहमद की वाइट हो गई है। ये देखे अहमद की शर्ट कैसे वाइट हो गई है पसीने से, दाग पड़ गए हैं पसीने के। अहमद को वैसे भी बहुत ज्यादा पसीना आता है ना अहमद? अहमद पोलू सा है हमारा, अहमद हमारा पोलू सा है ना, फोफ फोफ सा बच्चा है अहमद। अहमद कितना फोफ फोफ सा बच्चा है, अहमद को पसीना बहुत आता है। क्यों अहमद, गर्मी लगती है? अहमद को गर्मी लगती है, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। ये जाते जाते जो है ना गर्मी अपना असर दिखा रही है। अहमद को तो अच्छी तरह बता रही है गर्मी। आज अहमद के और भी ज़्यादा प्यारे प्यारे से पैरट आए हैं, ये देखिए, ये देखिए कितने खूबसूरत पैरट है। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे से कबूतर हो और बोल भी रहा है। ये देखिए पता नहीं क्या कह रहा है, ये देखिए चोंच हला हला के कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे वाले भी आराम से बैठे हुए हैं, पहले वाले भी, ये वाले ज़्यादा फ्रेश है, इनका कलर भी प्यारा है, ऐसे डिसेंट से हैं। क्योंकि अहमद अहमद के पैरट आए हैं नए वाले। अहमद को पैरट का बहुत शौक चढ़ा हुआ है आजकल, अहमद परिंदों के साथ बहुत प्यार कर रहा है। अहमद का दिल करता है सारे कौवे भी पकड़ के पिंजरे में डाल ले और जो मैना हमारे घर आती हैं उनको भी पकड़ ले। एक कबूतर भी आता है हमारी दीवार पे बैठता है, उसको अहमद का दिल होता है कि ये भी कहीं मैं पकड़ लूँ। क्यों अहमद जी? और अहमद इनके पास ही बैठा रहता है सारा दिन। अब कहाँ जा रहे हैं? अब मट्टी की तलाश में अहमद अब जा रहा है, मट्टी की तलाश में। अपनी भी पेट पीजा जरूरी है ना साथ साथ। अहमद भाई, अहमद अपनी भी तो पेट पूजा जरूरी है जी, खानी नहीं है, हाथ चाटना नहीं है। ये देखो ये पैरट देख रहे हैं, कहते हैं अहमद की शेम शेम हो जाएगी। ये देखो देख रहे हैं, ये नए वाले देख रहे हैं, वो पुराने तो अहमद के वाकफ हो गए ना, उन्हें पता है कि अहमद की ऐसी हरकतें हैं, अहमद सारा दिन ही ऐसे काम करता है। ये देखो देख रहे हैं आपकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, कहते हैं अहमद क्या कर रहा है। पैरट कहते हैं अहमद क्या कर रहा है, कहते हैं अहमद मट्टी खा रहा है। पैरट कहता है मैं तो नहीं मट्टी खाता हूँ, अहमद क्यों मट्टी खाता है? ये देखो वो देखो चूँ चला रहा है, कुछ कह रहा है। ये देखो पता नहीं कह रहा है कि कह रही है। ये इतना सुकून से सारे बैठे हुए हैं इकट्ठे होके। अहमद वो एक और मैना आ गई है, वो दीवार पे मैना बैठी हुई है और वो भी पकड़नी है। अहमद अहमद जी क्या सोच रहे हो? अहमद क्या सोच रहा है? अहमद क्यों परेशान बैठे हो हैं? क्यों परेशान हो रहे हो? तो क्यों परेशान हो रहा है? अहमद बेचारे का तो आज गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है, अहमद के तो पसीनों पसीने, ये देखो कैसे बैठा हुआ है अहमद, कैसे पसीनों पसीने हुआ था। लेकिन अहमद अपना काम नहीं छोड़ता, इतने काम का पक्का बंदा है ना, ऐसा बंदा तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा जो अपने काम से इतना प्यार करता हो। क्यों अहमद? ऐसा बंदा तो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जैसा जी अहमद है हमारा। धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कभी भी एक सेकंड के लिए अपने काम में नागा नहीं डालता। ये इतना ढीठ इंसान है, समझ से सारी आती है।
अहमद जी, पता है इसे हर चीज का है कि मुझे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, कैसे कैसे कह रहे हैं। साथ ही इसका मूड ऑफ हो जाता है फिर कि ऐसे नहीं बोलते बड़ों को, ऐसे नहीं बोलते। अहमद कहता है नहीं जी, ऐसे बड़ों को तो ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना अहमद? ऐसे कहता है अहमद, अहमद कहता है बड़ों को तो ऐसे नहीं बोलते, ऐसी गुस्ताखी तो बड़ों के साथ नहीं करते हैं। हम जो मर्जी करें, हम मट्टी खाएं, हम जो मर्जी करें, हमारी मर्जी है, हमारी मट्टी है, हमारी मर्जी है। नाराज हो गए अब, अंगूठा तो निकालो, अंगूठा सही है, नाराज हो अंगूठा मुंह के अंदर, भूख लगी हो अंगूठा मुंह के अंदर, नींद आ रही हो अंगूठा मुंह के अंदर। ये अंगूठा है क्या चीज है अहमद की, निकाल इसको, मैं निकालो, निकाल दो ना, ऐसे नहीं किया बोलो, ऐसे तो ना बोला बोलो, फिर ऐसे नहीं किया बोलो, नाराज तो ना हुआ करो अहमद। अच्छा चलो सॉरी, अब नहीं कहूँगी, चाटो मट्टी, मट्टी चाट लो, अब नहीं कहूँगी, अब नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं कहा करूँगी अहमद को, अहमद को कुछ भी नहीं कहा करूँगी। अहमद मट्टी चाटा करे, जितनी मर्जी प्लेट में डाल के अहमद को दिया करूँगी। चलो शोली ना फिर, चलो शोली शोली शोली, मैं शोली कर ली हूँ ना फिर, अहमद शोली, अहमद शोली। ये देखे, ये देखे इसके काम, देखे फ्राडिये के काम चेक करें जरा। फ्रॉड करता है सारे अहमद, अहमद फ्रॉड करता है। फ्रॉड करते हो आप, हैं? फ्रॉड कर रहे हो, मट्टी नहीं खाया करो, अच्छा ऐसे हाथ नहीं चटा करो, गंदी बात होती है। कोई ऐसे अच्छा काम होता है, कोई अच्छे काम होते हैं ये, हैं? लाइट बंद होने की वजह से पूरे घर में अंधेरा हुआ पड़ा, दिन को ही अंधेरा हुआ अब, है ना? अहमद की शक्ल भी अच्छे से नज़र नहीं आ रही है, बहुत लाइट बंद हो रही है, लाइट बंद हो रही है। अहमद देख रहा है पंखे की तरफ, पंखे की तरफ देख रहा है, अभी नहीं ऑन हुआ, अभी नहीं ऑन हुआ है, तो बड़ा तेज़ है तू, है तो बड़ा तेज़ तू है, चलाका बहुत चलाका बच्चा है, बड़ा ये बच्चा बड़ा बड़ा चलाका सा है। लाइट बंद हुई हुई है, लाइट कोई नहीं आती है, तो लाइट शट कोई नहीं आती है, ख़त्म हो गया सारा कुछ, फिनिश हो गया, लाइट खत्म हो गई है। क्यों अहमद? हाय हाँ, आप क्यों इतनी ठंडी हवाएं भर रहे हैं? अहमद क्यों इतनी ठंडी हवाएं भर रहा है? अहमद की मट्टी नहीं खत्म हो सकती है, लाइट खत्म हो सकती है, लेकिन हमारी मट्टी नहीं खत्म होगी। वो बड़ी वाफर है पाकिस्तान में, मट्टी बहुत ज़्यादा है, दस्त ही आती है इतनी हवा के साथ, खुद घर में आ जाती है ना अहमद? आप ना परेशान हो, आपकी रोज़ी नहीं बंद होने वाली। मुँह में हाथ नहीं डालो फिर, मुँह में हाथ नहीं डाला कर, ऐसे नहीं करते, बुरी बात होती है, बुरी बात ना फिर अहमद। आज बिजली ने तो ना सब लोगों को घर से बाहर निकाल के बैठा दिया, ये देखें वो सामने सारे लोग जो है ना दुकानों से बाहर निकल के बैठे हुए हैं। बाहर शुक्र है कुछ हवा चलना शुरू हो गई है, ये देखें दरख्त हिल रहे हैं, सब लोग जो है ना बेचारे गर्मी के मारे हुए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हवा चला दी है, क्योंकि जिस दिन ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना जब ट्रांसफार्मर के भी, उस दिन पटाखे पड़ जाते हैं। ये सुबह के इसके पटाखे पड़े हुए हैं, पता नहीं ये ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर इसकी जो डी वगैरह होती है उसमें कोई मसला हुआ है, तो सुबह की लाइट बंद है। और माशाल्लाह से निज़ाम हमारा ऐसा है कि ठीक करने वाला भी कोई नहीं है, ऊपर से गर्मी ने मत मारी हुई है। ये देखें जी, रात के 10 का टाइम हो गया और वापडा वाले आए हुए हैं हमारी लाइट ठीक करने, जबकि लाइट जो है ना शाम को मोहल्ले वालों ने खुद ही डंडे वगैरह मार के ना खुद ही इसका जो भी था ठीक करने वाला तो वो खुद ही कर लिया। अब आए हैं, ये देखें कितने क्विक सर्विस है, आके लाइट शटे मार के देख रहे हैं कि शायद कोई फरिश्ते आए हैं जो आके तो मोहल्ले में लाइट का इंतज़ाम करके चले गए हैं। वो देखे ट्रांसफार्मर के ऊपर भी लाइट शटे मार रहे हैं, ये रिज़्क़ हलाल हो रहा है। ये देखिए काम हो गया,
चलो भाई कर दिए काम, मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, चलो ड्यूटी हो गई अपनी भी। रात के 10 बजे आए हैं लोगों को सहूलत देने, पूरा दिन लोगों ने तड़प तड़प के गुजारी है। चलो मोटरसाइकिल स्टार्ट करो तो सोवो जाके, रज के लोगों को भी सौन दो। शुक्र आके फिर इन्होंने कोई पंगा नहीं ले लिया, दोबारा से बंद करके कहीं दोबारा से ठीक नहीं करने शुरू हो गए। चलो गया।